सॉफ्ट लिथोग्राफी इज यूज टू कंस्ट्रक्ट फीचर, यानी कि छोटी से छोटी डिटेल्स को भी मयर करने के लिए अगर हमने उनको किसी भी चिप पर ट्रांसफर करना हो उसके लिए पी एम डी एस मटीरियल बेहतरीन है दीज आर ऑल्सो वेरी गुड फॉर अन ईवन सर्विस फोटो को हम अनइवन सर्विसज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन सॉफ्ट लिथोग्राफी को अन ईवन सर्विस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है नाउ वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ पी डी एम एस इट इज अ ग्रुप ऑफ सिलीकोन बेस्ड कंपाउंड एंड दे आर यूनिक इन रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि इनकी फ्लूडिक प्रॉपर्टीज बहुत यूनिक हैं जो कि लैब ऑन चिप टेक्नोलॉजी में बहुत काम आती हैं दे आर क्लियर दे आर ट्रांसपेरेंट दे आर ऑप्टिकली क्लियर एंड इनर्ट दे आर टू सम एक्सटेंट बायो दे आर नॉन टॉक्सिक एंड नॉन फ्लेमेबल इसके अलावा दिस इज ए टाइप ऑफ ए सिलीकॉन ऑयल ये मटीरियल कॉन्टेक्ट लेंस और बहुत सी मेडिकल डिवाइस बनाने में इस्तेमाल होता है यू कैन सी मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ पी डी एम एसर इसमें वी कैन सी दिलीकॉन टू मिथाइल ग्रुप एंड ऑक्सीजन एंड दिस पोलिमर इज बेस्ड ऑन

PDMS fragments and then they are joined through. They are joined in the presence of a catalyst, and normally platinum is used for the polymerization process, and we have to also have to use a, a linker, sometimes a linker, to make changes in the structure of the PDMS as per requirement. Now the property of PMDS material. This material uh, transparent, biocompatible. इसकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इट कैन मेक बॉन्ड विद डिफरेंट अदर मटेरियल एंड दैट बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग इसके अलावा दिस इज गैस परमिएबल एंड वी कैन यूज दिस मटेरियल फॉर कल्चरिंग डिफरेंट सेल्स द मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ दिस पॉलीमर इज दैट वी हैव टू फर्स्ट प्रिपेयर दी मोल्ड विद सिलिनाइजेशन यानी कि सिलिकॉन बेस्ड कंपाउंड के साथ हम उसको पहले मोल्ड को ट्रीट करेंगे उसके बाद विद देन मिक्स दी मटीरियल विद ए क्योरिंग एजेंट एंड देन पोल्ड दैम इंटू ए मोल्ड एंड आफ्टर पोरिंग दैम इंटू ए मोल्ड वी नीड टू बेक दैम एंड आफ्टर बेकिंग वी हैव टू कट अकॉर्डिंग टू द साइज एंड देन वी कैन मेक अ बॉन्ड बायूजिंग प्लाज्मा टेक्नोलॉजी तो

polymer microstructures on the chip which are shown in red in here so the advantages of this uh, soft lithographic technique is it is mainly used on the large and non-planar surfaces and uh, in a smaller laboratory setting we can go up to 30 nanometers to 100 nanometers चैनल्स को चैनल्स uh, प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसकी सबसे बड़ा फायदा यह है कि वी कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी टू मिमिक द ह्यूमन सेल्स फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ लंग्स सॉफ्ट लिथोग्राफी में इस मटेरियल को पल्मोनरी और माइक्रोवेस्कुलर फंक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए या स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया गया है यू कैन सी इट इन हियर बिकॉज दिस सॉफ्ट लिथोग्राफी इज हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग द मटीरियल विच आर नॉन लीनियर और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसमें हम सेल्स के मुताबिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं बिकॉज दिस मटीरियल इज परमीएबल सो वी कैन चेक देशन एंड दी अदर प्रॉपर्टीज ये स्लाइड दिखाने का मकसद मेरा यह था कि आपको इसके इस लास्टोमर uh, की प्रॉपर्टीज के मुतलिक यानी पी डी एम एस की प्रॉपर्टीज के मुतालिक अहमियत के मुतालिक अंदाजा हो सके कि ये बायोलॉजिकल सिस्टम में हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं सो इन समरी वी कैन लिथोग्राफी इज एन एसेंशियल टेक्निक फॉर द फेब्रिकेशन ऑफ चैनल्स वेन वी आर यूजिंग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्योंकि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हमें अनईवन सरफेस रिक्वायर्ड होती है एंड दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन एन अलास्टोमर दिस अलास्टोमर इज पी डी एम एस On the basis of this technique, we can synthesize microchannels which are suitable for the biological molecule. This is a cost-effective technique for the synthesis of microchannel in a LOC, where we can uh, synthesize the channel with ease and convenience by using the elastomer PDMS.